नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पीएमओ में मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान ने एक बयान दिया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उनके इस सुझाव पर बहुत बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है, क्योंकि सोना ज्यादातर मंदिरों के पास ही है और बीजेपी से लेकर संत समाज तक हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस की सोच मंदिरों के खिलाफ रही है और है। बीजेपी ने सवाल पूछा है, क्या पृथ्वीराज चौहान ने सोनिया गांधी के कहने पर ऐसा कहा है और क्या ये मांग कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल मांग है? कुछ संतों ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस सरकारों के दौर में बहुत घोटाले हुए हैं, तो कांग्रेस घोटालों का पैसा कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए सामने लाए और क्यों नहीं दे रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस और दिग्गजों की टक्कर। मंदिर का धन सियासत दे धनाधन, आज की सबसे बड़ी बहस इसी पर। संकट काल में कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे गए सोने का इस्तेमाल किया जाए। हमारे देश में बहुत सोना है, निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। मतलब पृथ्वीराज चव्हाणांना एक स्पष्टता करण्यासाठी विनंती करायची आहे। हे सोनिया गांधीने आपल्याला सांगितलंय मागणी करण्यासाठी? काँग्रेसचं हे अभिमत आहे का? काँग्रेस शासित राज्य आणि मुख्यमंत्र्यांची ही मागणी आहे। पृथ्वीराज चव्हाण के मुताबिक देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने की कीमत कम से कम $1 ट्रिलियन है। उनका सुझाव है कि सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए इन ट्रस्टों से सोना कम ब्याज दर पर लेना चाहिए। पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम तो वाजपेयी सरकार ने शुरू की थी और 2015 में मोदी सरकार भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी, लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण के इस सुझाव पर संत समाज भी नाराज है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब मुगल काल में मंदिरों से सोना लूटा गया तो उसकी भरपाई के लिए कौन आगे आया था? लेकिन बड़ा सवाल इस बयान पर छिड़े सियासी घमासान का है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मंदिर का धन सियासत दे दनादन। और अब विश्लेषण सुनिए, धार्मिक धन पर सियासत का विश्लेषण, कांग्रेस की मांग का विश्लेषण। धार्मिक ट्रस्टों में ज्यादातर सोना मंदिरों के पास है। बीजेपी ने सोने के मुद्दे को सीधे तौर पर मंदिरों से जोड़ा है। कांग्रेस की सोच मंदिर विरोधी बता रही है भारतीय जनता पार्टी। कई मंदिरों ने खुद ही कोरोना काल में दान दिया है। मंदिर रोज लाखों लोगों को भोजन भी करवा रहे हैं। क्या मंदिरों को सियासत का अखाड़ा बनाना उचित है दोनों पार्टियों के लिए? मैं सीधा रुख करता हूँ अपने पैनलिस्ट का। मैं पहले दौर में संबित पात्रा मेरे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और पृथ्वीराज चौहान मेरे साथ हैं, पूर्व सीएम महाराष्ट्र के और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री भी रहे। सबसे पहले मैं पृथ्वीराज चौहान साहब आपका रुख करता हूं और बहुत साफगोई से आपसे सवाल पूछता हूं। जो मांग आपने करी थी उस पर घनघोर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की सोच मंदिर विरोधी है, इसीलिए ये काम हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था जी, इसका हमने स्वागत भी किया था, क्योंकि ये मांग पहले मैंने एक महीने पहले की थी कि 21 लाख करोड़ का पैकेज लगेगा अगर हमको अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से उठाना है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो हमने स्वागत किया था। उसके बाद लेकिन एक के बाद एक निर्मला सीतारामन जी का जो वक्तव्य आ रहा है उसमें कोई भी पैसा खर्च करने की बात नहीं है। कहा जा रहा है कि आप कर्जा लीजिए, आप औषधीय वनस्पतियों के पेड़ लगाइए, आप दूध वाली गाय लीजिए। जो
जो मजदूर प्रवासी मजदूर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उनकी जेब में आज पैसा डालना जरूरी है, वो नहीं डल रहा है। और एक बात यह कि पहले ही हमारे देश का घाटा 3.5% करीब करीब 4% है, अब 10% और हम खर्चा करेंगे तो ये 14% तक जाएगा, जो बहुत असंभव सा है। तो इसके लिए मदद करने के लिए जो वाजपेयी जी ने किया था, जो नरेंद्र मोदी ने किया था, उसी का सुझाव मैंने सरकार को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया है। वो सुझाव स्वीकार करे या ना करे उन पे अवलंबन है। मैं तो एक नागरिक के नाते मैंने सुझाव दिया है, प्रधानमंत्री इस पर विचार करेंगे और अगर उनको लगे कि ये बहुत सही नहीं है, कहीं और से पैसा इकट्ठा करेंगे, हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन जब भी देश पे कोई संकट आता है, आपने आपने अपने ट्वीट में लिखा कि तत्काल प्रभाव से ये करना चाहिए, ये पैसा मंदिरों से लेना चाहिए, ये सोना लेना चाहिए, और उस पर बीजेपी के कई नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने, प्रवक्ताओं ने, सबने अपनी राय को रखा। उन्होंने बोला क्या कांग्रेस पार्टी मंदिर विरोधी बात कर रही है लगातार। लेकिन देखिए, मुझे पहले बताइए कि मंदिर का नाम कहाँ है? ये मंदिर का नाम सिर्फ ये भाजपा लोग मानो से आया है। मैंने मंदिर का नाम मैंने कहा लिया है, ठीक है, मैंने धार्मिक बीजेपी के मेरे और ये बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सोना है, ये बोरो किया जाए, मैंने कहा है ये इसका लोन लिया जाए और उसपे 1-2% ब्याज भी दिया जाए और जब आपत्ति समाप्त होगी तो वापस कर दिया जाए। नहीं, कई मंदिरों और मंदिरों के ट्रस्टों से भी रिएक्शन आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी चलूंगा, लेकिन डॉक्टर समित पात्रा क्या रिएक्शन देंगे, मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है पृथ्वीराज चौहान साहब, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर संबित पात्रा का मैं रुख करता हूँ, वरिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संबित, पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि मैंने मंदिर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने इसको मंदिर के साथ कैसे जोड़ दिया? बीजेपी सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने इसको मंदिर के साथ जोड़ दिया, आपने मंदिर के साथ जोड़ दिया, कई मंत्रियों ने मंदिर के साथ जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मंदिर का नाम नहीं लिया। हमेशा नाम लेना जरूरी नहीं होता है। कई बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी कहती है 50 साल का नासमझ बालक, तो हम तो किसी का नाम नहीं लेते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी जाके केस कर देती है कि ये तो डिफेमेशन का केस हो गया जी, राहुल गांधी के खिलाफ कह दिया। हमने कहा नाम लिया था? हमने तो केवल कहा था 50 साल का नासमझ बालक, तो नाम थोड़ी लिया था, तो केस क्यों करते हैं आप लोग जाके? नंबर एक, देखिए हम इतने मूर्ख नहीं है, हम सब लोग समझदार लोग हैं। जब आदरणीय पृथ्वीराज जी ट्वीट करके कहते हैं कि द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अप्रोप्रिएट द गोल्ड फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो आप तीन चीजें मुझे बताइए। पहली बात तो है कि इस पूरे भारतवर्ष में या यूं कहिए पूरे विश्व में कौन सी ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जहां गोल्ड डोनेट होता है? आप भी कहेंगे हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर ही है जहां गोल्ड डोनेट होता है। आपने कभी देखा है मस्जिद में लोग जाके गोल्ड डोनेट कर रहे हैं या मस्जिद के जमीन पे गोल्ड रख रहे हैं? वहां गोल्ड डोनेट नहीं होता है, उनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वो जमीन के रूप में होती है। चर्च में कोई गोल्ड डोनेट नहीं करता है, वहां भी जमीन होती है, वो एकरों में होती है। ठीक उसी प्रकार गुरुद्वारा में जो गोल्ड है, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं, वो उनके श्री मंदिर में लगा हुआ है और वो वहीं रहना चाहिए, वो उसी की शोभा है। तो स्वाभाविक है जो गोल्ड के बारे में ये कह रहे हैं, ये मंदिरों के बारे में कह रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, देखिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम भी समझते हैं, आप खुद यहां ट्रांसलेशन करके दिखाइए कि अप्रोप्रिएट का अर्थ क्या होता है। अप्रोप्रिएट का अर्थ होता है जबरन कब्जा कर लेना अपने फायदे के लिए। अगर आप हिंदी डिक्शनरी में जाके अप्रोप्रिएट का अर्थ देखेंगे तो यही होगा। तीसरी बात जो मैं पूछ रहा हूं, देखिए चूंकि माननीय पृथ्वीराज जी एक बड़े नेता हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये गोल्ड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जहां तक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का सवाल है, ये जो स्कीम है ये आप हम पृथ्वीराज जी जैसे साधारण सिटीजन्स के लिए है कि वो अपने घर के गोल्ड को लाके मोनेटाइज करें, उसको रुपए में कन्वर्ट करें। हाँ, अगर कुछ मंदिरों ने स्वेच्छा से अपने गोल्ड को लाके मोनेटाइज करके मंदिर के ट्रस्ट को चलाने में उससे फायदा लिया है तो वो उनके स्वेच्छा का विषय है, अप्रोप्रिएट नहीं किया जा सकता है, किसी को खींच के नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात, ये सारी चीजें कांग्रेस को लेकर मन में संशय क्यों है, मैं बताता हूं क्यों है। राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, कह के दिखा दे, जो लोग मस्जिद जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, कह नहीं सकते हैं, मंदिरों के लिए कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सोनिया गांधी जी कहती हैं और सोनिया गांधी जी के बड़े बड़े मंत्री कहते हैं। जब पृथ्वीराज जी मंत्री थे तब शिंदे जी कहते थे हिंदू आतंकवादी है, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को देख के रोते हैं, एफिडेविट दिया जाता है कि राम काल्पनिक है। जब आप इस प्रकार की बातें करेंगे और आज मंदिरों के विषय में कहेंगे तो स्वाभाविक है ये प्रश्न उठेंगे।
अब संबित आपने तो इसको ट्रस्ट से, आपने तो ट्रस्ट से इसको कांग्रेस एंटी हिंदू है उससे जोड़ दिया। मैं पृथ्वीराज चौहान का रुख करता हूं। पृथ्वीराज चौहान साहब, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं और आपने एक ट्वीट करा जिसमें आपने लिखा कि तत्काल प्रभाव से ये सोना ले लेना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सोने का दान मंदिरों में ही होता है, मस्जिदों में तो नहीं होता, चर्च गिरजाघरों में तो नहीं होता, तो अमूमन उसी से अंदाजा लगाया गया कि ये मंदिरों के लिए ही है। इसीलिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने भी बोला है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, मुझे मुझे समय दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो भाई संबित पात्रा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, उन्होंने मेरा ट्वीट पढ़ा, लेकिन ट्वीट आधे ही पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया। सवाल यह है कि क्या जबरन लेने की बात मैं कह रहा हूं? अब अप्रोप्रिएट शब्द पे उनका आपत्ति है, मैं कहूंगा कि मैंने ठीक कहा है, लेकिन आधा आपने क्यों छोड़ दिया? आगे पढ़िए ना। आगे मैंने कहा है कि देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा कि बहुत सारा सोना पड़ा है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और फिर मैंने आगे उसी ट्वीट में कहा है, कहीं और ट्वीट में नहीं, ट्वीट में मैंने कहा है कि दिस गोल्ड कैन बी बोरोड थ्रू गोल्ड बॉन्ड्स। अब गोल्ड बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा शायद, वाजपेयी जी ने इसका नाम जिक्र किया था, फिर मोदी जी ने किया था। दिस गोल्ड कैन बी बोरोड थ्रू गोल्ड बैंक्स एट ए लो इंटरेस्ट रेट। दिस इज एन इमरजेंसी। इमरजेंसी क्यों मानते हैं? क्योंकि हम सड़कों पे देख रहे हैं क्या हालत हो रही है प्रवासी मजदूरों की, और सरकार पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये कहना है, और इसमें कभी कोई उद्देश्य नहीं था कि जबरन लेने का। अगर जबरन लेने का होता तो संबित पात्रा जी, मैं कॉन्फिस्केट शब्द का प्रयोग करता। अगर आपको कोई मेरी अंग्रेजी को आपत्ति है तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी मेरी क्या मंशा थी वो साफ होता है आगे पढ़ने। आपने बड़ी सहूलियत का आधा ही पढ़ा, आगे का नहीं पढ़ा, इसका क्या मतलब है? जब मैंने कहा है कि दिस गोल्ड कैन बी बोरो, यानी कर्जा लीजिए, उस पर 2-3% 1-2% का इंटरेस्ट दीजिए और गोल्ड बॉन्ड इश्यू करिए। क्या गोल्ड बॉन्ड पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं किए थे, जब अणु विस्फोट के बाद हमारे इकोनॉमिक सैंक्शन हमें लगे थे? क्या उस समय क्या आपने बात नहीं की थी? क्या उस समय वाजपेयी जी को मंदिरों ने सोना नहीं दिया था? और आप के चलते जब नरेंद्र भाई ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में जेटली साहब ने जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम रखी थी, और पहले साल में जब 8 मंदिरों ने दिया था, आपके लोकसभा का जवाब पड़ी है, मैंने ट्वीट किया हुआ है कि 8 मंदिरों ने इसमें सोना दिया था स्कीम में। जी जी, वो एक स्वैच्छिक है, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना। हम तो सिर्फ जो राष्ट्रभक्त संस्थाएं हैं उन्हीं से मांग कर रहे हैं। जी पृथ्वीराज जी, बिल्कुल आपका ये सजेशन है, और लोकतंत्र में कोई भी सजेशन दे सकता है, लेकिन मंदिर तो काफी कुछ कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी लोगों को खाना खिला रहे हैं, काफी चीजें हैं जो सार्वजनिक है। मुझे एक एक सिर्फ वाक्य पूरा कर दीजिए। जी जी जी, एक वाक्य पूरा कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक 2 प्रधानमंत्रियों ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ऐलान किया है, और इत्तेफाक से दोनों प्रधानमंत्री भाजपा के। जी, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, अंबाजी मंदिर ट्रस्ट ने 1 करोड़ 1 रुपए दिए, महावीर हनुमान मंदिर ने 1 करोड़ रुपए दिए, स्वामी नारायण मंदिर ने, मंदिर ट्रस्ट ने 1 करोड़ 88 लाख रुपए दिए, शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट ने, संस्थान ने 51 करोड़ रुपए दिए, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट ने गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन, कटरा का में राशन वितरण, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में अस्पताल के लिए दिया, कांची मठ ने 10 लाख रुपए पीएम केयर्स में दिए, 10 लाख रुपए तमिलनाडु के सीएम राहत कोष में दिए, महाकालेश्वर मंदिर ने पीएम केयर्स में 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए करीब करीब एमपी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। ये जानकारी के लिए हेतु मैं बता रहा हूँ। संबित पात्रा, आप इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई इसको चर्च से जोड़ रहा है, कोई इसको वक्फ बोर्ड से जोड़ रहा है। कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है उसका उजागर कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने ट्वीट में, गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली अप्रोप्रिएट ऑल द गोल्ड लाइंग विथ ऑल द रिलीजियस ट्रस्ट्स इन द कंट्री वर्थ एटलीस्ट 1 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड काउंसिल गोल्ड काउंसिल। द गोल्ड कैन बी बोरोड थ्रू गोल्ड बॉन्ड्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट। दिस इज एन इमरजेंसी पीस। दो ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन है चूंकि ये इमरजेंसी है तो सरकार को इमीडिएटली अप्रोप्रिएट कर लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप बोरो भी कर सकते हैं, लो इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं। तो ये अप्रोप्रिएट करने वाला, आप लोग सब डिक्शनरी देख लें अप्रोप्रिएट का अर्थ क्या होता है। हम कितने भी अनपढ़ गवार आप हमें बोलते होंगे मगर इतनी अंग्रेजी हम समझते हैं कि अप्रोप्रिएट आपने फर्दर हिंदू आतंकवाद से जोड़ दिया। मैं जरा मुझे समय दीजिए, मैंने बाटला हाउस से नहीं जोड़ा। क्यों इसको एंटी हिंदू देखा जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस का एक इतिहास भी है। आप याद करिए, कांग्रेस का इतिहास मैंने आपको गिनवाया है। राहुल गांधी ने किसी जमाने में कहा था, जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। क्यों राहुल गांधी किसी और धर्म का एग्जांपल नहीं दे सकते? वो मंदिर का ही एग्जांपल देते हैं। ठीक, इसीलिए मैं जरा बोल लूं, मुझे लगता है मैं जरा आराम आराम से बोल लूं। अमीश भाई, आप डिबेट को आराम से चलने दीजिए, अभी चिल्ला चोट करके लाभ नहीं है, मैं आराम से कर लूं। दूसरी बात मैं यहां बोल रहा हूं, आपकी आवाज भी पहचानता हूँ, पृथ्वीराज जी की भी पहचानता हूँ। आपने मुझे सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। अमीश भाई, वक्फ बोर्ड के पास करोड़ों एकड़ की जमीन है, बोल देते या ट्वीट कर देते फ्रॉम वक्फ बोर्ड लैंड ऑल्सो कुड बी टेकन एज अ लैंड बैंक। चर्च के पास एकड़ों की जमीन है, कर देते ट्वीट और बोल देते, अभी भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे। केवल इनको सोना ही चाहिए, जमीन के बारे में ट्वीट नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए जहां तक हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता है, अरे ये मंदिरों ने हमेशा करोड़ों वर्षों से दिया है, कभी नहीं लिया है, दिया है। जो भी लिया है वो डोनेशन के माध्यम से, लोगों ने स्वेच्छा से दिया है, कभी लूट के नहीं लिया है। मगर दुखद विषय है, मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ मंदिरों में, सोने के लिए हुआ, सोने लेके मुगल चले गए, कई मंदिरों को तो तोड़ के ध्वस्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी मंदिरों के सोने के लिए, भारत के सोने के लिए, और आज कांग्रेस ठीक वही कर रही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये बड़ा आरोप लगा दिया, जो मुगल काल ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, वही कांग्रेस करना चाह रही है, सोना लेना चाहती है मंदिरों का। अप्रोप्रिएट, ये क्या होता है? अब पृथ्वीराज चौहान साहब, आपने जो बोला तत्काल प्रभाव से ये सोना ले लेना चाहिए, बीजेपी ने इसको एंटी हिंदू से जोड़ दिया, कहा जैसा मुगलों ने मंदिरों को लूटा, जैसे अंग्रेज आए इस देश में राज करने के लिए उन्होंने मंदिरों को लूटा, कांग्रेस भी मंदिरों का सोना लेना चाहती है। हेलो हेलो मुकेश जी, पृथ्वीराज जी आवाज आ रही है? जी आवाज, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप? हेलो, हाँ ठीक है। देखिए, मैंने सुझाव किसे दिया है? मैंने सुझाव प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। ये सोना कोई कांग्रेस पार्टी जेब में डाल के नहीं ले जाती, और मैंने वही किया है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब देश संकट में था तब किया था। मैंने वही सुझाव दिया है जो 2015 नवंबर में अरुण जेटली जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन की। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में जमीन की क्यों नहीं बात की, चांदी की क्यों नहीं बात की, उन्होंने और कोई बात क्यों नहीं की? देखिए, सोना लिक्विड होता है, उसका एकदम पैसे में रूपांतर का। आज तक दो प्रधानमंत्रियों ने गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए हैं, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम निकाला है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम निकाला है। कौन थे दो प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी। और मोदी जी, मैं संबित पात्रा जी को बार बार, मैं और चैनलों में मैंने कहा था कि आप अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़िए। उस एनुअल रिपोर्ट में पूरा हिसाब दिया है कि नरेंद्र मोदी जी का गोल्ड मोनेटाइजेशन के जो बॉन्ड लिए थे उसमें कितने लोगों ने पैसा जमा किया है। 2952 इकाइयों ने 20.5 टन सोना सरकार को दिया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया है। हम सिर्फ सिफारिश कर रहे हैं मोदी साहब को, उन्होंने स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करें या फेंक दे कचरे की टोकरी में जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देने की तो बात नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं जवाब, हम इसीलिए गुजारिश करें कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ, सड़क पे जो लोग घूम रहे हैं, क्या आपका दिल नहीं बदल रहा? लेकिन पहली बात तो देखिए, पृथ्वीराज जी आप महाराष्ट्र से आते हैं,
ट्रेन से कट के जो 16 मजदूर औरंगाबाद के ट्रेन के पटरी पे मरे थे उसका पूरा का पूरा दायित्व महाराष्ट्र सरकार का है। शेल्टर होम बनाने के बावजूद, SDRF के पैसे जाने के बावजूद आपने उन लोगों को सही सलामत श्रमिक ट्रेन तक नहीं पहुंचाया। बहरहाल मैं विषय पे आता हूं। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी ने गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम लेके आए। गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम इंडिविजुअल सिटीजन के लिए होता है, मंदिरों के गोल्ड को अप्रोप्रिएट कोट अनकोट अप्रोप्रिएट करने के लिए नहीं होता है। इस बात की क्लैरिटी आपको होना चाहिए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, आप देखिए अमीश जी किस प्रकार का विषय है। ये कह रहे सरकार को इन्होंने सुझाव दिया। मैं कई चरणों में इनसे पूछा कि आपने पीएम केयर में अभी तक डोनेट किया है, क्योंकि आज तक आप देख लीजिए, पहले तो हम डोनेट करें, मैंने अपना डोनेशन दिया है। मैंने इनसे पूछा है अभी इससे पहले भी चैनल में कि क्या आपने पीएम केयर में डोनेट किया। इन्होंने कहा नहीं, मैं पीएम केयर पे विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मैं पीएम पे विश्वास नहीं करता हूं इसलिए मैंने पीएम केयर पे एक फूटी कौड़ी डोनेट नहीं किया है। मेरा सवाल है, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पीएम केयर पे विश्वास नहीं करते, पीएम पे विश्वास नहीं करते, इस सरकार पे विश्वास नहीं करते और फूटी कौड़ी वहां डोनेट नहीं किया है, तो आप कैसे सोचते हैं कि सारे मंदिर करोड़ों खरबों की सोना पीएम को दे दे? आप इतने अच्छे लोग हैं, अपने 5,000 रुपए, 5,000 तो छोड़ दी, 50 रुपए आप डोनेट नहीं कर सकते पीएम केयर में, क्योंकि आप कहते हैं आपको इस सरकार पे विश्वास नहीं है। सोनिया गांधी जी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी है और आप चाह रहे हैं कि करोड़ों खरबों की जो संपत्ति मंदिरों की है वो आप बड़े भोले बन के पीएम जी आप ले लो, ये कहना चाहते हैं? मैं जवाब दूं जी। जी पृथ्वीराज जी, मेरे साथ धर्म एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं स्वामी दिवांकर, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, जी जी, आप अपनी बात को रखिए। जवाब दूं, देखिए बात क्या है कि जो आप तोड़ मरोड़ के बात कह रहे हैं आपका अधिकार है, आप जो भी कहिए। मैंने क्या कहा है कि पीएम केयर्स फंड करने की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि पीएम नेशनल रिलीफ फंड 1948 से चला रहा है। वाजपेयी जी ने कोई अलग फंड नहीं बनाया, मोरारजी देसाई ने कोई अलग नहीं फंड बनाया, लेकिन आपने पीएम केयर्स फंड बनाया। कोई बात नहीं, आपने फंड बनाया, लेकिन हमें बताइए कि फंड बना कैसे है, उसके कागजात आप वेबसाइट पर रखिए। आप बताइए ट्रस्टीज कौन है, क्या वो निजी कैपेसिटी में या मंत्री है? आप बताइए इसको ऑडिट कौन करेगा? आप बताइए इसको खर्च कौन करेगा? आप ये बताइए, आप क्यों छुपा रहे हैं ये सारी बातें? क्या ये जनता से इस पर आरटीआई लगेगा कि नहीं, बताइए आरटीआई क्यों नहीं लगेगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसलिए हम पीएम केयर्स पर नहीं देंगे, हम अपना चीफ मिनिस्टर फंड में दे रहे हैं। हम अपना जो भी हमारी जो भी होगी वो हम जिसपे आप पारदर्शिता नहीं कर रहे हैं। अबे निजी रूप से पीएम से आपकी दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन कोई अगर सरकार के नाम से पीएम के नाम से पैसा इकट्ठा करता है तो क्या वो ट्रस्ट कैसे बना? उसके ट्रस्टी कौन है? उसके ऑडिटर्स कौन है? कौन उसका पैसा खर्च करेगा? देखिए मुझे लगता है पृथ्वीराज जी को थोड़ा सा होमवर्क करके भी आना चाहिए। वैसे बड़े भाई समान है, आप इसे कटु मत समझिएगा। 31,000 करोड़ रुपए कल 3100 करोड़ रुपए कल पीएम केयर के फंड से सभी राज्यों को रिसोर्सेज के लिए आवंटित किए गए। ये सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है। और देखिए मैं आपको बड़ा आश्चर्य मुझे लग रहा है, जाके भावना रही जैसी उसको पूरी प्रभु मूर्ति वैसे ही दिख रही है, क्योंकि ये लोग पूरे जीवन भ्रष्ट रहे हैं। कांग्रेस की सरकार हर जगह घोटालेबाज रही है, इसलिए इसको लग रहा है कि प्रधानमंत्री तो राफेल कर रहे थे, राहुल गांधी को जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ गया है। हर जगह इनको घोटाला दिखता है, मगर चाहते हैं कि करोड़ों खरबों के जो सोने हैं इसको इसी सिस्टम में लाया जाए। कैसे आप, मैं कंप्लीट कर लूं साहब मैं एक सुझाव दे रहा हूं। देखिए आप भी अच्छा चाहते हैं देश का, मैं तो सुझाव दे रहा हूं कि प्रियंका वाड्रा जी के पास करोड़ों की संपत्ति, जो एक घर तो पूरा विश्व जानता है कि आज हिमाचल प्रदेश में करोड़ों की है, वो डोनेट कर दे। 28 घर रॉबर्ट वाड्रा जी का लंदन में है, वो करोड़ों खरबों की है, उनमें से 4-5 घर डोनेट कर दे। सोनिया जी तो विश्व की वन ऑफ द रिचेस्ट महिलाओं में से एक है। हफिंगटन पोस्ट ने कहा कि एलिजाबेथ के बाद सेकंड या थर्ड नंबर पे सोनिया जी आती हैं। वो मैं तो बोल रहा हूँ छोड़िए, बाकी इतनी प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए, उसका 100% जो है सोनिया जी डोनेट कर दे। हफिंगटन पोस्ट में था जी साहब कि 4th richest woman इन द होल वर्ल्ड सोनिया गांधी, उसका थोड़ा सा हिस्सा वो दे दे। राहुल गांधी बैंकॉक वगैरह में जो रखे हुए हैं उसमें थोड़ा सा दे दे। अरे उसी से हिंदुस्तान न जाने कितने वर्षों तक चल जाएगा। आप सब कुछ तिरुपति भगवान का ले लेंगे, जगन्नाथ भगवान का ले लेंगे, और आपके जो आका है वो थोड़ा तो दें। अरे 5,000 रुपए तक कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे पीएम केयर्स में और सारा भगवान का ले लेंगे। पृथ्वीराज जी कुछ कहना चाहते हैं? पृथ्वीराज जी कुछ कहना चाहते दो बातें कि शायद संबित पात्रा जी भूल गए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है।
किसके पास ईडी है, किसके पास सीबीआई है, किसके पास इनकम टैक्स है, हमने भूलना भी चाहिए उनको। जो भी बातें आपने की, स्विट्जरलैंड की बात की, सिंगापुर की बात की, पता नहीं कहाँ कहाँ से की, अरे क्यों नहीं आपका स्विट्जरलैंड भूल गया था मैं, सॉरी सॉरी याद दिला दिया, वो आपने क्यों नहीं उनके पीछे जाके जो कार्रवाई करते। देखिए झूठ घड़न करें, बार बार झूठ बोलने से सच नहीं होता। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने की आप में हिम्मत नहीं है, प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं, लेकिन मैं उस पर विषयांतर नहीं करना चाहता हूँ। मैंने अभी भी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी भी संदीप पत्रा जी ने पीएम केयर फंड का ऑडिटर कौन है, ये फंड कैसे बनाया है, ये जानकारी वेबसाइट पे नहीं रखी है। आप रखिए, लोग विश्वास करेंगे। और मैं तो मांग कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को पैसा दीजिए, मुख्य पृथ्वीराज चव्हाण को पैसे सोना दीजिए या कांग्रेस पार्टी को सोना दीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। और मैंने सुझाव दिया है प्रधानमंत्री को, अगर स्वीकार करना है तो स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी कुछ सवाल चाहते हैं। हालांकि जवाब दे दूं इस पे। जी जी बिल्कुल, समित मैं आपको मौका दूंगा, समित मैं आपको मौका दूंगा। स्वामी दीपांकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं। स्वामी दीपांकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप अपने ट्रस्ट का सोना देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ अमीश, इस देश में अभी गवर्नमेंट के पास 22,000 टन सोना है, वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूँ, जो वर्तमान के आंकड़े हैं। प्रथम, देश में 12.5 करोड़ लोगों को रोज भोजन कराता है धर्म, 12.5 करोड़। मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ आप चाहे लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं, 12.5 करोड़ लोगों को रोज धर्म भोजन कराता है, धर्म का मतलब धर्म, रोज भोजन कराता है। उसके पश्चात मुझे लगता है कि वर्तमान धर्म ने आज नहीं, आज से पहले भी दिया, हर विपत्ति में दिया, हर संकट में दिया, और देता आ रहा है, आगे भी देता रहेगा। और भगवान ने इतना दिया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। उसके पश्चात अगर जो हम ये जो वर्ड है, ये वाकई बड़ा कहीं ना कहीं ये कष्टकारी तो है, इसमें खैर कोई दो मत नहीं, हालांकि पृथ्वीराज जी खुद बैठे हैं, इस वर्ड से थोड़ा सा हम लोग भी आहत हैं। और रही बात कोई अपने ट्रस्ट का सोना देने की, मैं तो एक शमशान में रहने वाला सन्यासी हूँ, कफन बेच कर भी दूंगा, अपने देश के लिए जहां जरूरत पड़ेगी तो करूंगा। मगर मैं इस बात से बड़ा आहत हूँ कि हम लोग जो ट्रस्ट होता है मंदिर का, जैसे तिरुपति या अन्य, वहां पर जो देवता का बाल स्वरूप होता है और जो ट्रस्ट की डीड होती है जिसे हम टीटी कहते हैं, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो कि संवैधानिक हैं। तो हम संवैधानिक व्यवस्थाओं को संविधान के अनुरूप कैसे तोड़ सकते हैं? प्रथम। द्वितीय, में ये एक महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न उठाना चाहता हूँ। नहीं, पर ये आइडिया आपको कैसा लगा कि मंदिरों का सोना ले लेना चाहिए? मैं स्वामी दीपांकर, ये बहुत दुखद है। कम से कम आप जो कहने का लैंग्वेज या जो तरीका है वो तो बहुत ही दुखद है। कम से कम हम मंदिर, या तो सरकार अमीश भिक्षुक हो चुकी हो, या सरकार मांग रही हो, या कभी नरेंद्र मोदी जी ने या प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं, देश दीवानों की तरह डोनेट करता। आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये बात बोलना नहीं चाहता था टीवी पर, संबित भी सामने बैठे हैं और पृथ्वीराज जी भी बैठे हैं, मेरे आश्रम में मेरे 108 साल के गुरु के कुछ चांदी और सोने के यंत्र थे, वो यंत्र बेच करके हम लोगों ने पीएम केयर फंड में दिया। आप जानते हैं, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि शायद देश के किसी व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक, अंतोदय तक। नहीं, ये आपकी भावना अच्छी है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा। पृथ्वीराज जी जवाब देना चाहते हैं। जी जी जी, पृथ्वीराज चौहान, संत समाज कह रहे हैं हम आहत है, जैसे बोला गया कि हमारा सोना ले लेना चाहिए, हम उससे आहत है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो स्वामी दीपांकर हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के की फैमिली में से जो बोला गया। अमित जी, जी पृथ्वीराज जी, जी सर, बात सुने दे रही है अमित जी? बिल्कुल आ रही। मैं तो सिर्फ उन्हीं संस्थाओं की बात कर रहा हूँ जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है। ये मैं वॉलेंटरी तरीके से कह रहा हूँ कि आप बोरो करना चाहते हैं, अगर आप देना चाहे तो दे, ना देना तो चाहे। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोल्ड बॉन्ड की स्कीम निकाली थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम निकाली थी, तो 20.5 टन सोना, जिसमें की कम से कम 8 मंदिर है, जिसमें तिरुपति है, शिंदी है और तमिलनाडु के 4 मंदिर है, 20 टन सोना नरेंद्र मोदी जी को पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के गोल्ड बॉन्ड स्कीम में दिया है साहब, आप क्यों बोल रहे हैं? और मैं कह रहा हूँ कोई डिजिट आप भी देना चाहे तो कौन मना करेगा, अब जिसके पास है। लेकिन
मैंने सिर्फ अब दूसरी बात आपके मंदिर 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 के लगा रहे, मुझे दिखाई मैंने मंदिर का नाम कहा लिया। अब खेल स्थान के आपकी जो असफलता है, जो लोगों को बचाने में, जो लोगों को घर भेजने में, जो माइग्रेंट लेबर को हल हो रहे हैं, जो कट के मर रहे हैं, लोग जो भूखे मर रहे हैं, उनको पैसा देने में जो असमर्थता है, उसमें सुझाव दिया अमित जी, मोदी जी उसको न माने, हमने कहा क्या है कि आप जरूर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो नहीं मान रही है। जी जी समित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं, समित बोलिए, समित बोलिए, जी जी समित बोलिए। धन्यवाद। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। देखिए अमीश जी, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि मैंने कहा मंदिरों का नाम लिया, क्या सोचते हैं ये कि ये मुझे दिखा दे एक बार कौन से मस्जिद में सोना रखा हुआ है, ये दिखा दे जरा कौन से गिरजाघर में सोना डोनेट होता है, कौन से गिरजाघर में सोना रखा हुआ है या कौन सा मस्जिद में सोना डोनेट होता है, अच्छी तरह जानते हैं कि मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सुबह मुझे वेटिकन का नाम लिया था कि वेटिकन के पास बहुत सोना है, अब बताइए सोनिया जी वेटिकन से सोना ला सकती है तो बोलिए फोन करके, वो तो फोन भी कर सकती है वेटिकन को। अब वेटिकन में बहुत सोना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे को कोई लाभ होने वाला है क्या? अब सोनिया जी से रिक्वेस्ट करिए, अगर वेटिकन से सोना ला सकती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कमाल हो जाएगा फिर वो तो। मगर मैं विषय पे आता हूँ। देखिए आपने आदरणीय जी, आपने मुझे सुबह कहा था कि वेटिकन के पास बहुत सोना है, एक चर्च है उसमें बहुत सोना है, तो हम क्या करेंगे जी? भारत में कौन से चर्च के पास सोना है, भारत में कौन से मस्जिद के पास सोना है, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए मैं आपको इसमें कुछ पेचीदगी भी, जो कानूनी पेचीदगी है वो समझाता हूँ। देखिए गुरुवायूर मंदिर है केरल के अंदर, गुरुवायूर मंदिर से अभी इन्होंने 5 करोड़ रुपए ले लिए हैं वहां की केरल की सरकार ने, लेफ्ट की सरकार ने जबरन 2018 में भी फ्लड के सिचुएशन में जबरन 5 करोड़ रुपए उनसे फिर लिया हुआ था। ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, क्यों कोर्ट में मामला चल रहा है? देखिए हिंदू रीति नीति एक अलग तरीके की होती है, जो मंदिर में मूर्ति होती है उस मूर्ति में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो वो केवल पत्थर की मूर्ति नहीं होती है, मान्यता यह होती है कि वो भगवान स्वयं होते हैं, प्रॉपर्टी होती है इंक्लूडिंग सोना, वो ईश्वर की होती है। इसलिए गुरुवायूर माइनर कृष्ण भगवान है, छोटे कृष्ण भगवान है, उनके सोने को आप अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट में माइनर राम भगवान थे, उनके जमीन को कोई और हड़प नहीं सकता है उनकी इच्छा के बगैर, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। माइनर राम लल्ला, उनको राम लल्ला कहते हैं और इसीलिए राम लल्ला की जमीन कोई नहीं ले सकता है। इसलिए ये कानून से ऊपर है क्या, ये लोग अप्रोप्रिएट कर लेंगे। और मैं बार बार सजेशन है, पृथ्वीराज चौहान ने तो सजेशन दिया है कि सोना लिया जा सकता है, सोना मंदिरों का लिया जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान साहब, क्या आपको लगता है वो अप्रोप्रिएट शब्द डालकर आपसे गलती हो गई? ये सजेशन नहीं, बीजेपी आरोप लगा रही है। और बीजेपी इसको लगातार यही कह रही है, एक फेस डिपिक्ट कर रही है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, आप लोग एंटी हिंदू हैं, आप तो चाहते हैं कि हिंदुओं की हर चीज जब्त हो जाए बस। जी पृथ्वीराज जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए अब क्यों बीच में मजहब को ला रहे हैं, धर्म को क्यों ला रहे हैं? मैंने तो ये अपने ट्वीट में कहा था, सभी रिलीजियस संस्थान से कर्जा लिया जाए, नहीं देगा तो मत दीजिए, लेकिन लोग, देश के लोग, देश के मंदिर, देश के ट्रस्ट जो है वो उनका बहुत बड़ा दिल है। अमित पात्रा जी, नरेंद्र मोदी जी को 20 टन सोना दिया है, इसमें मंदिर भी है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे बोल रहे हैं 20 टन सोना नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है, हालांकि ये गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत। सरकार को दिया है। तो अब मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा, पहले इसको ठीक करिए। और वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, वो अप्रोप्रिएशन स्कीम नहीं है। नहीं बिल्कुल पृथ्वीराज जी, आप बड़े हैं, बीच में नहीं बोलना चाहिए, मगर आदर के सहारे। नहीं नहीं, इसको ठीक कर लीजिए पृथ्वीराज जी, कम से कम 10-12 बार आपने बोल दिया है। वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, पी चिदम्बरम के समय 80-20 स्कीम, ये अप्रोप्रिएशन स्कीम्स नहीं होती है, ये स्वेच्छा से होती है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है आप उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं तो करिए। संबित पात्रा जी, कोई भी बिना कानून के अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता, कर्जा नहीं दे सकता, भेंट नहीं दे सकता। कानून जरूरी है, कानून बनाइए ना।
आप समझिए, आप कानून बनाने वाले लोग बैठे हैं तो अपने ना हम अप्रोप्रिएशन करने के लिए कानून क्यों बनाएंगे? हम तो खिलाफ है उसके। पृथ्वीराज जी, हम ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिसमें सरकार इमीडिएटली सारे मंत्रियों को। पृथ्वीराज जी, आपके डिमांड कर रहे हैं कानून बने, एक सेकंड, ये बड़ी बात है। पृथ्वीराज चौहान, क्या आप डिमांड कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट का कानून आना चाहिए, जो शब्द आपने लिखा उसका कानून बन जाना चाहिए, मोदी सरकार वो कानून बनाए? देखिए, कानून सरकार के पास नहीं, आवश्यकता नहीं है, सरकार के पास बहुत पैसा है। मगर आपने डिमांड किया अभी कि आप कानून बनाइए। अगर आपके पास बहुत पैसा है लोगों के लिए खर्च करने के लिए, बस करिए। मैंने तो सुझाव नरेंद्र मोदी जी को दिया है, अब संबित पात्रा उनके बहुत करीबी सलाहकार है, अब उनको बताइए कि इसको फेंक दीजिए, खर्च चर्चा कीजिए। मैं सलाहकार नहीं हूँ। आप बढ़ा रहे हैं मंदिर 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 के रथ लगा रहे, आप सारे महंतों को बुलवा के बुला रहे हैं। चलिए, देखिए ये बात सिंपल है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, महंत समझते नहीं है? सुनिए, नहीं, आप मुंह में कौन शब्द डाल सकता है? आपके मुंह में कोई शब्द नहीं डाल सकता है। मैं जवाब देता हूँ पृथ्वीराज जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मंदिरों के महंतों को हम लोग समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं। महंत बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो भी समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने जवाब अभी तक नहीं दिया। मैंने सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए जहाँ टनों है, आप बताइए मुझे। कोई स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं, शादाब चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं, और मेरे साथ जाने माने चिंतक अतिकुर रहमान साहब भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। अतिकुर रहमान, पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे साथ में हैं, वो अपनी डिमांड पर वो उन्होंने सलाह दी है, आप उनकी सलाह को कैसा देखते हैं? व्हाट इज योर टेक? अतिकुर रहमान, पृथ्वीराज चौहान जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सेंट्रल में भी उनका काफी अच्छा रोल रहा है। एक पॉलिटिशियन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इस तरह के पॉलिसी इश्यूज उठाएं? अब इसको मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, वो संबित पात्रा जो कि जिनकी पार्टी प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आती है पार्लियामेंट के अंदर, कि सारे के सारे मंदिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएं, तो उनका उस वक्त क्या उद्देश्य था, और आज ये क्यों गोल्ड स्कीम को इस तरह के अप्रोप्रिएशन जो गोल्ड है मंदिरों का, ये दोनों चीजों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संबित पात्रा जी इस पर रोशनी डालें, और स्वामी दीपांकर जी अगर इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं खाने खिलाने के, लाखों करोड़ों रुपए देने के, तो अमीर भाई आप मुझे बताइए कि अच्छा, ये खून पसीना बहाने वाले हमारे वर्कर्स, इनको माइग्रेंट किसने बनाया, हाईवे पे किसने पहुंचाया, आप कौन सी जी ये मंदिरों ने माइग्रेंट बना दिया है, और सब पापी मंदिर है। वाह 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 वाह, ये सारे मतलब मंदिर ही खराब है, मंदिरों ने सबको माइग्रेंट लेबर बना दिया। नहीं नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं सब जवाब दे रहा हूँ, सुनिए पहले। मैं अरे सुनिए ना, सुनिए पहली बात सुनिए। नहीं, पहली बात आपने कहा ये पॉलिसी मैटर है, अरे वो कौन सी पॉलिसी है जो मंदिरों की सोने को ले ले? हमारे जीते जी कान खोल के सुन लीजिए अतिकुर भाई, मैं आपका सम्मान तो करता हूँ, आप स्कॉलर हैं, मगर कान खोल के सुन लीजिए, हमारे जीते जी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनने वाला है जो मंदिरों के सोने को अप्रोप्रिएट करने वाली पॉलिसी हो, संभव ही नहीं है, असंभव। भगवान के गहनों को उतार करके ये कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, उसको अप्रोप्रिएट कर लिया जाए, ऐसा हमारे जीते जी नहीं हो सकता है, ये याद रखिए। नहीं, कंप्लीट करने दीजिए। और आपने कहा मंदिर क्या खाना खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप आंख खोल के देखिए, मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं। मैं मस्जिदों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं इसको धर्म के पिंजड़े में नहीं खींचना चाहता हूं, मगर मुझे दुख है इस बात का कि आपने कहा कि मंदिर कुछ कर रहे होते तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। मैं तो कह रहा हूं अगर जमात ने इस प्रकार कुछ किया नहीं होता तो आज ये कोरोना वायरस इस प्रकार का विकराल रूप हिंदुस्तान में नहीं धारण किया होता। अपने कमेंट मत करिए। जी अतिकुर रहमान रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। पृथ्वीराज जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अतिकुर रहमान, 30 सेकंड्स। प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में देखिए, ये इन्होंने जंप ले लिया वहां पर। कौन सा प्राइवेट मेंबर बिल आ गया? हाँ तो क्यों लेकर आया आप प्राइवेट मेंबर, उसका सपोर्ट आपने किया था ना? कौन सा बिल लेके आया भैया, कौन सा बिल लेके आया, क्या बोल रहे हैं, झूठ मुक्का ये की अप्रोप्रिएशन बिल लाया, ये बिल्कुल झूठी बात है। उस बिल की बात कर रहे हैं ये।
ये तो खुद ही बोल रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल है, तो सरकार कौन सा बिल लाई है? सरकार ठीक बिल लेके नहीं आई। जी जी, शादाब चौहान प्रवक्ता, पीस पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बयान के बाद लगातार संत समाज से भी लगातार रिएक्शन आ रहा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो महाकाल मंदिर हो, तमाम जगह से रिएक्शन आ रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने अभी आरोप लगाया बीजेपी संतों और महंतों से बुलवा रही है। शादाब चौहान, मैं आपका रुख करता हूँ, फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र, पीएमओ में मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान ने एक सलाह दी और सलाह को आप पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है, आपकी पार्टी किस तरफ खड़ी है? अमित भाई मैंने संबित भाई और पृथ्वीराज जी दोनों को बड़ी शालीनता से सुना है, तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि जब जब देश पर आपदा आई है, देश की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने अपना किरदार निभाया है, चाहे वो देश की आजादी के समय मदरसों का मामला हो, चाहे जब देश को सोने की जरूरत पड़ी तो निजाम हैदराबाद ने सोना दिया हो, या किसी मंदिर ने 2015 में निजाम हैदराबाद ने भारी आपत्ति है, निजाम हैदराबाद जैसे देशद्रोही कोई नहीं था, याद रखिए इस बात को, रजाकार बनाया उन्होंने, अरे खून बहाया सड़कों पे, निजाम हैदराबाद की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते इंतजार करिए, पहुंचाया था इंतजार करिए चौहान, शादाब चौहान को भी बोलने दीजिए, देशद्रोहियों का नाम यहाँ इज्जत से ना लिया जाए, नहीं ठीक है, आपकी आपत्ति हो सकती है, निजाम हैदराबाद ने क्या किया है इतिहास पढ़िए, निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था, निजाम हैदराबाद हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता था, निजाम हैदराबाद हिंदुस्तान के लिए सोने डोनेट कर रहा था, किसने कहा ये बात? क्या गुनाह है वो करने में? और ये मनुवादी मानसिकता है जो दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को, इसमें दलित कैसे आ गए? दलित छोड़ देती है शादाब, अब आप गलत कर रहे हैं, देखिए दलित का विषय नहीं है ये, राम मंदिर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, राम मंदिर तुमने कहा रामलीला के नाम पर फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में है, अरे भैया किसको बुलाया है अमीश भाई, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ गया है, नहीं आया, राम मंदिर मामला का जजमेंट आ गया है, रे क्या सुप्रीम कोर्ट में है? हाँ तो क्यूरिटी और ये क्या होगा, अरे भैया राम मंदिर तो बनेगा ही, आप क्यों चिल्ला रहे हो, इनकी ये तो राम मंदिर पर तो जजमेंट आ चुका है, मंदिर ही ना बने, आपको वो जजमेंट पसंद नहीं होगा वो अलग बात है, अब मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी है, शादाब चौहान आपके अकॉर्डिंगली इसमें कोई हर्ज नहीं है सलाह देने के अंदर, सलाह देने में कोई हर्ज नहीं है, स्वामी दीपांकर आप कुछ कहना चाहते हैं? देन पृथ्वीराज जी, मैं बहुत शालीनता से सुन रहा हूं, बस मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, पृथ्वीराज जी बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं और जितने पैनलिस्ट हैं मैं सभी का सम्मान करता हूं, मगर मैं मात्र इतना सा कहना चाहता हूं, संबित ने एक बहुत अच्छी बात को कहा, संबित भाई ने, कि हम लोगों के धर्म और शास्त्र के अनुसार निसंदेह हम पहला ग्रंथ अपना संविधान मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और संविधान ने ही हमें अधिकार दिया, जैसे शादाब भाई को कानों से एयरफोन उतारने का अधिकार भी संविधान ने दिया था कि जब शांति पाठ चल रहा था उन्होंने उतारा, ठीक वैसे ही हमारे शास्त्रों को पढ़ने का, उन्हें जीने का अधिकार भी संविधान ने ही दिया है, उस संविधान में ये लिखा है, हमारे शास्त्र में ये लिखा है कि हम अपने शास्त्रों के अनुसार जब किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसको चढ़ाया हुआ धन स्वर्ण इत्यादि वो सब देवता का हो जाता है, बहरहाल उसके बाद भी अगर देश को जरूरत पड़ेगी हम लोग, सर मुझे बोलने दीजिए, शादाब भाई मुझे पूरा करने दीजिए, मैंने आपके बात में आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, शादाब भाई जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, प्लीज मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं बोल दूंगा बस, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है वो देवता का हो जाता है, पूर्व प्राचीन में कभी प्राचीन काल में जो राजा होता था वो भी हिम्मत नहीं रखता था, क्या अकबर अपना छत्र ले सकता है वैष्णो देवी जी से, मंदिर से ले सकता है? नहीं ले सकता, ठीक वैसे ही चढ़ा हुआ दान, चढ़ा हुआ स्वर्ण मंदिर का होता है, उसके बावजूद भी जरूरत पड़ती है तो आपने खुद गिनवाया करोड़ों रुपया मंदिर इत्यादि कोरोना को लेकर दे चुके हैं, और जैसे मैं देख रहा हूं श्रमिकों को, हमारा भी दिल टूटता है, मगर उसके बावजूद भी मैं सरकार से भी प्रार्थना करता हूं, पक्ष प्रतिपक्ष से भी करता हूं, मगर फिर भी कहूंगा धर्म ने बहुत साथ दिया, मगर धर्म के साथ ऐसा मत कीजिए सर, सनातन के साथ ऐसा मत कीजिए। आप सिद्धि विनायक मंदिर, आप श्री सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में क्या कह रहे थे? शादाब का ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आया, श्री सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में आप क्या कह रहे थे? सिद्धि विनायक मंदिर ने जो प्रधानमंत्री जी की गोल्ड स्कीम थी, जब वहां पर गोल्ड स्कीम का सोना क्यों दिया जा सकता है, बोरो करने की बात है, संदीप जी को मैं एक जवाब देना चाहूंगा, इन्होंने कहा
कि राम मंदिर का फैसला आ चुका है। मेरे भाई संदीप जी, जानकारी आपको नहीं है, क्यूरेटिव पटिशन पीस पार्टी ने फाइल की है, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको शायद जानकारी। मेरे भाई मंदिर का निर्माण भी चालू हो गया, ये कौन सी, ये मंगल ग्रह से कहां से पकड़ के लाए हैं, ट्रस्ट भी बन गया भैया, मंदिर का काम भी चालू हो गया, चलेंगे साथ में दोनों पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सदा चौहान बैठो बैठो बैठो, पृथ्वीराज चौहान बैठ जाओ, मंदिर वहीं बनेगा। पृथ्वीराज चौहान और संबित पात्रा को मैं लेके आना चाहता हूँ और अतिकुर रहमान को मैं लेके आना चाहता हूँ। अब पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपने ट्वीट किया उसके बाद सियासी भूचाल आ गया, एक पॉलिटिकल भूचाल आ गया है दिल्ली के अंदर, और लगातार रिएक्शन आ रहे हैं कि ये क्या मंदिर विरोधी मानसिकता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि राम मंदिर के विरोध में कपिल सिब्बल खड़े हुए थे कोर्ट में। अमित भाई, और मैं संबित भाई को भी गुजारिश करूंगा, मुद्दे से मत हटिए, और कहां कहां ले गए उसको, विदेशों में ले गए, पता नहीं कहां ले गए, आपके पास पूरी सरकार है, कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैंने एक सुझाव दिया था, किसे दिया था ये, मैंने सुझाव प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को दिया था, ये सुझाव था, मैं कोई कानून तो नहीं बना सकता, मैंने कोई सुझाव नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी को धर्म दिया जाए, हम उसका खर्चा करेंगे सारा। मैंने सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री को चाहिए, प्रधानमंत्री जो अपना कानून है, गोल्ड बॉन्ड की स्कीम उन्होंने 2015 में जो दी थी, उसी को एक बार नई तरीके नई अपील कीजिए, अगर आपको स्वीकार नहीं तो फेंक दीजिए उसको, लेकिन पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि अगर मेरा सुझाव पसंद नहीं तो फेंक दो, इसके ऊपर बवाल क्यों कर रहे हो इतना? देखिए, इसको बवाल नहीं कहते, मैं बताता हूँ पृथ्वीराज जी, इसको बवाल नहीं कहते हैं, लोकतंत्र में इसको डिस्कशन कहते हैं, और डिस्कशन तो होगा ही, आप भी हर विषय पे डिस्कशन करते हैं, हम पैसे भेजते हैं SDRF में, फिर भी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी आप लोग भी तो कोट अनकोट बवाल करते हैं, ये बवाल नहीं होता, ये डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, आपको सम्मान दे के कर रहे हैं। और देखिए, आपने यहाँ पर गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अप्रोप्रिएट गोल्ड लिखा है, स्वाभाविक रूप से ये मंदिरों के लिए ही लिखा है, क्योंकि आपने अभी तक किसी और संस्था का लेकिन उदाहरण नहीं दिया है, इसको मुगल काल से जोड़ दिया ना, आपने तो इसको मुगल काल से जोड़ दिया, संबित आपने बोला भी अभी, हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों जोड़ा है, मुगल काल से लेके अभी तक लड़ाई क्या रही है, मंदिरों के ऊपर क्या लड़ाई रही है, कि मंदिरों के पास सोना है इसे लूटते हैं, यही रही है ना, क्यों मुगल आए थे हिंदुस्तान, ये आपको क्या लगता है, यहाँ पे भुट्टे खाने आए थे या यहाँ पे ऐसे घूमने फिरने आए थे? अरे मुगल इसलिए आए थे क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, मंदिरों में सोना था, जवाहरात थे, उनको लूट के जाना है, ये मुगल पे नाराज, अच्छा ये मुगल पे नाराज हो गए, अरे भैया आपने आपको मुगल क्यों सोचते हो गए, चौहान जी, ओ चौहान जी, आपको मुगल नहीं हो, आप क्यों नाराज हो रहे हो, ये चौहान जी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, जैसे कि यही मुगल थे। मैं गुजारिश करना चाहूंगा संबित भाई को, आप सरकार के बहुत बड़े नेता हैं, आप प्रधानमंत्री को क्या सलाह देंगे, आप प्रधानमंत्री को सलाह देंगे, कोई जरूरत नहीं हमारे पैसे की, हम अपने आप करेंगे, हम वर्ल्ड बैंक से पैसा लेंगे, हम IMF से पैसा लेंगे, आप बताइए मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन स्वाभाविक है, मना कर दीजिए ना, आप प्रधानमंत्री को बनाने की बिल्कुल नहीं, मना ही कर रहे हैं पृथ्वीराज जी, और क्या कर रहे हैं, और सुनिए पृथ्वीराज जी, सुनिए पृथ्वीराज जी, मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप एक अन्य प्रकार के व्यक्ति हैं, आप नॉर्मल कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आप बड़े आदमी हैं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। देखिए पृथ्वीराज जी, जब से कोरोना हुआ है या उससे पहले ही, मुझे एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कोई अच्छा सुझाव दिया हो, हमेशा ही नुक्ताचीनी करना, हमेशा ही प्रधानमंत्री के विरोध में कहना, भारत सरकार की नीतियों पे कमेंट करना, तंज कसना, और इसमें भी, इस ट्वीट में भी आपने प्रधानमंत्री को नहीं कहा है, आपने PC लिखा है लास्ट में, PC, ये PC कौन है, ये पी चिदम्बरम साहब को आपने टैग किया है, पी चिदम्बरम साहब से आप वार्तालाप कर रहे हैं, मुझे पता नहीं आप, एक सेकंड रुक जाइए, कंप्लीट कर लूं, अच्छा चौहान, अच्छा ठीक है, चलिए आप भी PC हैं, वो भी PC, चलिए दोनों ही PC हैं, खैर चलिए, अच्छा हुआ कि इन्होंने अपने आप को पी चिदम्बरम से अलग ही कर लिया, अच्छी बात है, मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है
कि आप देखिए एक बात कान खोल के सबको सुन लेना चाहिए कि हमारी सरकार होते हुए कभी भी मंदिरों के देउड़ी के अंदर घुस के जबरन मंदिरों के सोने को अप्रोप्रिएट नहीं किया जाएगा। हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम महादेव और महाकाल को मानते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो राम को विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी ये बिल्कुल जनता सुन ले, हम कभी, और देखिए जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, हिंदू धर्म तो देती ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अगर हमारे श्रमिक परिश्रम में हैं, जी जी में मुझे मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आप देखते रहिए देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आरपार। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मैं सीधा रुक करता हूं अपने पैनलिस्ट का, अतिकुर रहमान 40 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, आपको क्यों लगता है कि मंदिरों को सोना देना चाहिए, क्यों आप इस प्रस्ताव के साथ हैं, तो वक्फ बोर्ड को अपनी लैंड नहीं बेच देनी चाहिए फिर? अमित भाई एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है, आज की एक बड़ी पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है वो किस हठधर्मी से ये कह रही है कि कान खोल कर सुन लो कि ये सोना आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं संबित पात्रा जी, आज हिंदुस्तान के अंदर जिस हम पीड़ा से गुजर रहे हैं, हमारे लोग चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे कोई भी गिरजाघर हो, उसकी संपत्ति जो है वो हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति है, और अगर आप इसके संबित संबित कुछ कहना चाह रहे हैं, सांप की तरह बैठे रहेंगे तो ये मुझे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, पहले इनकी आवाज को कम करिए, ये बहुत खराब बात कही है, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता हूँ। तिरुपति भगवान के अलंकारों को, तिरुपति भगवान के सोने को मंदिर से बाहर लाया जाए, ये कहने वाले अतिकुर रहमान कौन है, कौन है ये अतिकुर रहमान? मैं ये सवाल पूछता हूँ, मुझे तिरुपति भगवान पे आस्था है, ये कह रहे तिरुपति जी के गहने को बाहर ले आओ, ये कौन है कहने वाला, ये कौन है? भारत का मंदिर है, भगवान तिरुपति भारत के हैं, मगर उनके गहनों को उतार के लाना कहने वाला अतिकुर रहमान कोई नहीं है। जी जी, स्वामी दीपांकर भी इसी में बोलना चाहते हैं, स्वामी दीपांकर, ये अतिकुर रहमान आपकी बात पे स्वामी दीपांकर भी याद खड़ा करें, स्वामी दीपांकर 20 सेकंड्स मेक ए पॉइंट, स्वामी दीपांकर इतना कह रहा हूँ कि गजब का सोना है कि सोने भी नहीं दे रहा, सियासत को सियासत के तरीके से होने भी नहीं दे रहा, प्रथम सरकारीकरण चाहते हैं, दूसरा विपक्ष का आचरण, दोनों ही कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है, मंशा पर, भाव पर, उस स्वभाव पर जिसके घाव उभर कर जी जी के सामने आने ओके। शादाब चौहान, शादाब चौहान, शादाब चौहान 20 सेकंड, शादाब चौहान आप तो वही हैं जिन्होंने उतार दिया था अपना ईयरपीस, मुगलों से संबित भाई को इतनी परेशानी, वो भूल गए कि प्रधानमंत्री जी जिस लाल किले से तिरंगा ले रहे थे वो भी मुगलों ने बनाया और दिल्ली को राजधानी भी मुगलों ने बनाया। नहीं नहीं एक सेकेंड, ये एक तो सेकेंडली ये मुगलों का गुणगान करना बंद करिए, इस समय मुगलों के गुणगान की ये बात नहीं है, इस समय जो बहस का विषय उस पर रहिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, मैं हमेशा निष्कर्ष देता हूं, आज दो लाइन का निष्कर्ष है, कई बार हम शब्दों के महत्व को भूल जाते हैं और लिखने में तो अक्सर ध्यान रखना चाहिए, कई बार ये कहना कि सोना आप दे दो और सोना हम ले लेंगे उसमें बहुत फर्क होता है, शायद इस छोटी सी बात को भूल गए लेकिन इसी से बड़ी बात बन गई। नमस्कार।